अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अली है और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस विद मोहम्मद अली। और आज के लेक्चर में मैं आपको विंडो मिल से रिलेटेड जितने भी डिटेल ऑप्शन हैं वो बताऊंगा, और इस कंपोनेंट को, इस पार्ट को हम जो है वो इसकी कैम करते हुए कुछ ऑप्शंस देखेंगे, और रफिंग का जो एक नया टूल है वो मैं आज के लेक्चर में आपको बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल इनिशियली मैं मैन्युफैक्चरिंग के एनवायरनमेंट से स्टार्ट ले रहा हूँ। और शुरू से हम पार्ट को, तमाम ऑप्शंस दोबारा से देखेंगे। पार्ट को ऐड करते हुए यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर ही रखूँगा, ठीक है। पार्ट के डेटम और कोऑर्डिनेट हाइड कर देंगे, और एडिशनल जो डेटम बने हुए हैं उनको भी हाइड कर देंगे, ठीक है। इस वर्क कोऑर्डिनेट को भी मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। पार्ट हमारा जो है वो सक्सेसफुली मैन्युफैक्चरिंग के एनवायरनमेंट में ऐड हो चुका है, ठीक है। इसके बाद जनाब हम वर्क पीस बना देते हैं। वर्क पीस में मैं फर्दर कोई एडिशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। आप को लास्ट लेक्चर्स में मैंने बताया था किस तरीके से आप लीनियर ऑफसेट कर सकते हैं और रोटेशनल ऑफसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क पीस के भी अंदर और एक बाहर जो वर्क कोऑर्डिनेट बनता है इसको भी मैंने हाइड कर दिया है, और लेयर ट्री में जाके हम सेव स्टेटस कर देंगे ताकि जब भी ये मैं ये मॉडल खोलूँ तो ये तमाम चीज़ें हाइड हुई हुई हैं। तो यहाँ पर हम अपना नया मैनुफेक्चरिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं, ठीक है। ये मेरी ऑपरेटर साइड है, तो जेड वाली एक्स की जगह जेड आ गया और यहाँ से वाई फ्लिप हो गया, ठीक है। ये आपने मशीनिंग कोऑर्डिनेट जो है अपने वर्क पीस की क्लैंपिंग के अकॉर्डिंग रखना है, जिस तरीके से आप चाहते हैं कि मशीन पर आपका पार्ट जो है वो आप क्लैंप कर रहे हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम वाली डायमेंशन को देखते हुए आपने फिर ये अपना MCS जो है वो क्लैंप करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मिल ऐड कर लेते हैं, ऑपरेशन में जाके MCS डिफाइन कर देते हैं। अच्छा, मैंने जो आज आपको बताना है बेसिकली इस मिल विंडो जो लास्ट टाइम हमने स्केचिंग करना सीखा था, ये बेसिकली रेफरेंस जो मैटी है। जब भी हम रफिंग का प्रोग्राम बनाएंगे या तो हम मिल वॉल्यूम बनाएंगे या मिल विंडो बनाएंगे, ये हमने अभी तक सीखा है। आगे भी हम कुछ और चीज़ों को भी रेफरेंस ज्योमेट्री डिफाइन कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी मिल विंडो के अंदर। अब कुछ डिटेल ऑप्शन है, हमने बेसिकली लास्ट लेक्चर के अंदर, शुरू के स्टार्टिंग के लेक्चर के अंदर ये ऑप्शन यूज़ किया था जो कि स्केचिंग मोड का है। जो लोग पार्ट मोड नहीं जानते हैं क्रियो पर, उन्हें पता है कि ये स्केचिंग का ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पर एक और सिल्वर विंडो टाइप है और चेन विंडो टाइप है। तो ये बेसिकली इसके डिटेल ऑप्शंस आज हमने देखना है। और सबसे पहले मैं सिल्वर विंडो टाइप को सेलेक्ट करता हूँ, और वर्क पीस का जो टॉप फेस है इसको सेलेक्ट करता हूँ। तो होगा क्या कि जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो जो भी पार्ट की बाउंड्री बन रही होगी, यहाँ से मैं हाइड करके दिखाता हूँ, जो भी पार्ट की बाउंड्री बन रही थी उसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके एक विंडो बना दी है, ठीक है। इसका फायदा ये होता है कि आप जो है ये देखें, यहाँ से इसने पूरे एरिया को जहाँ जहाँ पार्ट था वहाँ तक के इसने ऑटो सेलेक्ट कर लिया। पहले ऑप्शन पे आपने क्या करना है दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। डैटम प्लेन बना हुआ होना चाहिए। मैं इसको वर्क पीस का जो टॉप फेस है इसको एज अ डैटम यूज़ कर रहा हूँ। तो आपने मिल विंडो का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और अगर आप चाह रहे हैं कि पूरे पार्ट की जो एक्सट्रीम बाउंड्री है उस पे विंडो ऑटोमेटिकली बन जाए तो आपने पहला ऑप्शन यूज़ करना है, डायरेक्ट प्लेन सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है जस्ट, ठीक है। तो ये वर्क पीस को मैं हाइड करके दिखाऊंगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये पूरी विंडो बन गई, और इसको हम रफिंग प्रोग्राम के अंदर वॉल्यूम रफ हमने देखा था, वॉल्यूम रफ में हम डिफाइन करेंगे या रफिंग में। तो आज मैं ये रफिंग वाले ऑप्शन से जो है वो प्रोग्राम बनाऊंगा। तो
एक मेथड ये हो गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। दोबारा से वर्क पीस को हम अनहाइड कर देते हैं, क्योंकि इसका टॉप प्लेन मैं सिलेक्शन के लिए ले रहा हूँ। दोबारा से मिल विंडो सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, सेकंड ऑप्शन जो था, ये बेसिकली स्केचिंग मोड है। जैसे आप पार्ट मॉडलिंग के अंदर स्केचिंग यूज़ करते हैं ना, तो इसमें आपने सिंपल जो है प्लेन बताना है और स्केचिंग मोड के अंदर चले जाना है, और अपनी मर्जी से यहाँ पर आपने विंडो बनानी है। ठीक है, अब वो विंडो जो है वो सिर्फ इस एरिया को लेकर भी हो सकती है, ठीक है, इतनी विंडो भी हो सकती है, या किसी स्पेसिफिक एरिया को लेके हो सकती है कि आप चाह रहे हैं कि सिर्फ रफिंग जो है वो इतने हिस्से के अंदर ही हो। ठीक है, तो भी आप, यानी यहाँ पर आपके पास जो है वो अपनी मर्जी से क्लोज एरिया बनाने के तमाम ऑप्शन मौजूद हैं। वो विंडो राउंड शेप में भी हो सकती है, ठीक है, तो यहाँ से या आपके पार्ट की ज्योमेट्री से बड़ी भी हो सकती है, और इसको हम जो है वो फिर प्रोग्राम के अंदर डिफाइन करते हैं इस विंडो को। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन हो गया है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, इसके अंदर मेल विंडो में जाके यहाँ से जो है वो चेन टाइप को मैं सेलेक्ट करूँगा। इसमें भी हमने पहले जो है वो प्लेन डिफाइन करना है, तो वर्क पीस का जो है वो मैं ये प्लेन ले रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपने चेन डिफाइन करनी है। मिसाल के तौर पे चेन से मुराद ये है कि पार्ट के बने हुए फीचर्स को लेके आप कोई क्लोज एरिया डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको मैंने सेलेक्ट किया, और इस तरीके से अब शिफ्ट की दबा के मैं मल्टीपल पार्ट के ही जो एजेस हैं इनको सेलेक्ट करके एक विंडो बना सकता हूँ। ठीक है, तो तीसरे ऑप्शन से आप पार्ट में मौजूद एजेस की मदद से, अच्छा ये एजेस सेलेक्ट हुए हैं नीचे, लेकिन इसकी जो प्रोजेक्शन है वो टॉप पे बनेगी। यानी कि अब हमारी जो है वो ये जो हमारी है वो विंडो है, और जब हम मशीनिंग का प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो इतना हिस्से के अंदर ही टूल चलेगा खाली। ठीक है, तो ये वो तीन ऑप्शन थे जिसकी मदद से आप विंडो स्केच कर सकते हैं। तो मैं जो है वो दोबारा से एडिट डेफिनेशन में जाता हूँ और इसको रिमूव कर देता हूँ, और मैं पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, वर्क पीस कट ऑफ फेस लेके। ठीक है, तो ये हमने डिफाइन कर दिया है, वर्क पीस को फिलहाल हाइड कर देते हैं, और आज इस रफिंग के ऑप्शन से जो है वो हम प्रोग्राम बनाते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले विंडो वाला एनवायरनमेंट है, इसका लिस्ट वाला एनवायरनमेंट नहीं है जैसे सरफेस मिल के अंदर था। तो यहाँ पर मैं टूल ऐड कर लेता हूँ, 20 एंड मिल। ठीक है, फ्लोट लेंथ जो है वो 100 रख रहा हूँ, और तकरीबन 150 के करीब जो है वो डेप ज़्यादा है, बड़ा जॉब है। और रेफरेंस में हम जाके विंडो में यहाँ से डिफाइन कर देंगे। ठीक है, पैरामीटर्स में आके आपने यही सारी चीज़ें डिफाइन करनी है। यहाँ पर कुछ एडिशनल आपको पैरामीटर्स मिलेंगे, मैं फ़िलहाल इसके बेसिक पैरामीटर डिफाइन कर रहा हूँ। रिट्रैक्ट फीड डिफाइन कर दी, मिनिमम स्टेप डेप्थ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप ओवर जनाब हम 9 रखेंगे। ठीक है, रफ स्टॉक अलाउंस 0.5, मैक्सिमम स्टेप डेप्थ जो है वो जनाब 0.5 रखते हैं। और अच्छा, अब जैसे वॉल्यूम मिल के अंदर स्कैन टाइप आ रही थी, यहाँ पे दो स्कैन टाइप है, एक ओपन एरिया, एक क्लोज एरिया। अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल शेप ये जो है वो बेसिकली ओपन एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिफरेंट स्ट्रेटजी चला सकते हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ये आपके पास वॉल्यूम मिल में भी आ रहे थे, कांस्टेंट लोड का ऑप्शन है, और ये मेंटेन कट है। ये आपने सारे एक एक दफ़ा जो है वो फॉलो कंटूर है। ठीक है, तो ओपन एरिया में अलग जो है वो स्कैन चल सकती है, और क्लोज एरिया में अलग स्कैन चल सकती है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको चेंज कर, फिलहाल मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। क्लियरेंस डिस्टेंस हम डिफाइन कर देते हैं, और यहाँ पर मैं जो है
वो आरपीएम डिफाइन करो। ठीक है, पहला प्रोग्राम है तो ये आपसे जरूर रीट्रैक्ट पेन पूछेगा, तो ये मेरा टॉप है, इसी को मैंने जीरो सपोज किया, तो यहाँ से जनाब हम टेन डिफाइन कर देते हैं। और ये प्ले पाथ पे क्लिक कर दिया। इसके अंदर वॉल्यूम के मुकाबले में जो है वो स्कैन टाइप ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोग्राम रेडी हो गया, और इसमें जो है वो हमारे पास वॉल्यूम का ऑप्शन नहीं है, हम सिर्फ विंडो ही इसमें रेफरेंस ज्योमेट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुई हुई थी, तो ये कुछ एबनॉर्मल सी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। मैं यहाँ से स्कैन टाइप चेंज कर देता हूँ, फॉलो कंटूर था यहाँ पे कॉन्स्टेंट लोड कर देता हूँ। ठीक है, स्कैन टाइप डिफरेंट कटिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए डिफरेंट स्कैन टाइप्स यूज़ होती हैं। तो आपकी अगर थ्योरी जो है वो मशीनिंग के हवाले से वीक है, तो आप इसकी स्ट्रेटजी को ज़रूर, इसकी थ्योरी को ज़रूर पढ़ें, तो उसमें क्लियर होगा कि आप किस तरह की सिचुएशन के अंदर किस तरह की स्कैन टाइप्स चलाते हैं, और ये ज्योमेट्रिकल शेप भी जो है वो आइडेंटिफाई करेगा कि किस तरह की सीक्वेंस ज़्यादा फेवरेबल है। तो ये हमारा प्रोग्राम जो है वो रेडी हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये कांस्टेंट लोड के साथ जो है वो मशीनिंग हो रही है, और ये मैं यहाँ से रुक के मैं कंप्लीट दिखा देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब जो चीज़ ये यहाँ तक के पूरा टूल हमारा चला है, ठीक है, अब इसकी वजह क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये नीचे क्यों नहीं गया है, क्लोज, यहाँ से हम बाहर आते हैं, और ये विंडो जो थी ये एग्जैक्टली बिल्कुल साइज टू साइज थी, यानी यहाँ से लेकर इस फेस से लेकर इन फेसेस को मिलके बनी हुई है, तो टूल इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से इससे नीचे गया ही नहीं है। अच्छा, रफिंग में आपको क्या एडवांटेज होता है कि अगर आप रफिंग इस वाले रफिंग के ऑप्शन से जो है वो यूज़ कर रहे हैं, वॉल्यूम रफ आप यूज़ नहीं कर रहे, तो इसमें एक फ़ायदा ये होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रन हो जाए। ठीक है, तमाम पोजीशन पे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ से व्यू जो है वो ये व्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो इस विंडो को तो फॉलो करेगा, लेकिन वॉल्यूम की तरह ये अंदर ही नहीं चलेगा, मतलब पूरा कंप्लीटली साइडों से मटेरियल रिमूव करेगा। और मैंने आपको वॉल्यूम मिल के अंदर बताया था कि अगर आप रेफरेंस ज्योमेट्री विंडो बना रहे हैं तो विंडो बड़ी बनाएं, अपने ये पार्ट से बड़ी बनाएं, तो ये देखें टूल पाथ जो है वो आखिरी जो है वो इस पोजीशन तक भी आ रहा है। ये देखें टूल, यानी टूल जो है वो यहाँ तक के पूरा कवर कर रहा है, जबकि हमारा हमारी जो विंडो है वो ये एजिज को मिला के बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन टूल हमारा इस पूरे को रिमूव करेगा, और अगर यही विंडो हम वॉल्यूम में डिफाइन करते हैं, तो वॉल्यूम के अंदर ये टूल इस लाइन के अंदर वाली साइड पर चलता है। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज है कि आपको विंडो इसमें बड़ी नहीं बनानी पड़ती, जैसे अगर आप वॉल्यूम से रफिंग करेंगे तो आपको ये विंडो थोड़ी सी बड़ी बनानी पड़ेगी, ताकि टूल जो है वो इन एजेस से थोड़ा सा ओवरलैप करे बाहर की तरफ, और कॉर्नर के ऊपर रेडियस ना छोड़ दे, इन जगहों पर रेडियस ना छोड़ दे। ठीक है,
अच्छा, अब जो विंडो मिल का ऑप्शन आपको बताना है जिसके लिए ये प्रोग्राम बनाया, उसमें आ जाते हैं। यहाँ पर ये तीन ऑप्शंस हमने देख लिए हैं। अब डेप्थ का ऑप्शन देखते हैं, स्पेसिफाइड डेप्थ। अभी जब तक कि ये डिफाइन नहीं हुआ था, इस पर चेक नहीं लगा हुआ था, तो जब भी हम इसका रफिंग से या वॉल्यूम रफ से प्रोग्राम बनाएंगे, तो जब तक कि इसको यहाँ पे पार्ट का मटेरियल नहीं मिलेगा, ये टूल चलता रहेगा। तो जैसे आपने देखा कि रफिंग के अंदर इस फेज तक के जो है वो प्रोग्राम चलता रहा, लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक डेप सेट करना चाह रहे हैं तो आप उसको कर सकते हैं। यहाँ पे अपने स्पेसिफाई द डेप पे चेक लगाना है। ये प्लेन है, यहाँ से जो है मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि सिर्फ 50 mm तक ही जो है वो माइनस में प्रोग्राम चले, ठीक है। तो और यहाँ पर वो ये सारे ऑप्शन है, अगर डेटम बना हुआ है तो डेटम तक डिफाइन कर सकते हैं, या टू सिलेक्टेड का मतलब है कि आप पार्ट की ज्योमेट्री को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर ये 50 रख के हम यहाँ से देखते हैं, प्ले पाथ करके दोबारा से रीजनरेट करते हैं, तो अब हमारा प्रोग्राम जो है वो इस हाइट से सिर्फ 50 mm की डेप्थ तक ही जाएगा। अच्छा, इसके ऐसा करने की वजह क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ये ऑल पोजीशन देखें तो ये यहाँ पर सिर्फ 50 mm की डेप्थ तक ही मशीनिंग हुई है, और बाकी जो है वो नीचे तक के नहीं आए, क्योंकि हमने विंडो के अंदर ये चीज़ डिफाइन कर दी थी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है। इसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसकी वजह ये है कि जब हमारे पास एक जॉब होता है तो ज़रूरी नहीं है कि स्टार्ट टू एंड तक के जो है वो सेम कटर ही जो है वो रफिंग करे। बाज़ औक़ात ऊपर की तरफ ओपन एरिया होता है तो आप बड़े कटर चलाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे इस कंडीशन में सपोज कर लेते हैं कि 50 mm तक के हमारे पास बड़े कटर यानी 20 का एंडमिल चलाने की गुंजाइश थी, और इससे नीचे आप एक अलग प्रोग्राम बनाएं, तो अब होगा क्या कि आपका जो अब आपने एक नई विंडो ऐड करनी है, तो इसके लिए इसकी स्ट्रेटजी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने यहाँ पर वर्क पीस को मैंने हाइड के लिए और डेटम प्लेन बनाने के लिए, तो यहाँ से हमने एक डेटम प्लेन 50 mm, क्योंकि 50 mm तक के हमारा रफिंग हुई थी। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेंगे 49, ठीक है। अब एक नई विंडो बनाते हैं, विंडो मिल का ऑप्शन लेते हैं, और ये डेटम प्लेन मैं सेलेक्ट करता हूँ, और पहले ऑप्शन पे ऑलरेडी क्लिक हुआ था तो उसने एक और नीचे विंडो बना दी है। अच्छा, अब जहाँ विंडो बनी हुई है वहीं से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। अब इसको मैं लेट सपोज रफिंग से बनाता है, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जनाब मिसाल के तौर पे नीचे कुछ कंजस्टेड एरियाज हैं, तो मैं कहता हूँ कि 12 का एंड मिल से हमने बनाना है। ठीक है, इसमें जाके हमने विंडो ये सेलेक्ट कर ली। अच्छा, पहले क्योंकि बड़ा कटर था तो हमने, अब इसमें एडवांटेज है कि हम अलग अलग पैरामीटर्स रन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसकी फीड लेट सपोज 800 है, पहले आप 1000 चला रहे थे, ये तो रैपिड फीड आ गई है। स्टेप ओवर पहले जो है वो अकॉर्डिंग टू कटर था, हाफ हाफ से थोड़ा कम ही मैंने रखा है, और मैक्सिमम स्टेप डेप्थ जो है वहाँ पे वो 0.5 थी, यहाँ पे 0.2 है। क्लियरेंस डिस्टेंस डिफाइन कर देता हूँ, और स्टॉक अलाउंस जो है वो यहाँ पर भी हम 0.5 ही डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो एक ही जॉब को आप डिफरेंट कटर से अगर रफिंग करना चाह रहे हैं तो आपको दो अलग अलग विंडो बनानी पड़ेंगी, और मैंने उसका आपको तरीकेकार बता दिया कि पहली विंडो बनाने के बाद आप जो पहला रफिंग का प्रोग्राम में जितनी डेप्थ में चलाना चाह रहे हैं वो आप विंडो में डेप्थ के ऑप्शन को स्पेसिफाई करके वहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर लें या डेटम सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर स्टेप डेप जो है वो कम है,
जॉब बड़ा है कटर छोटा है, सेकंड जॉब ने लिया है तो इट टेक सम टाइम। तो 227 स्लाइसेस बन रहे हैं यहाँ पे, ये टोटल कैलकुलेट हो रहा है रीजन। प्रोग्राम, सेकंड प्रोग्राम हमारे पास रेडी हो गया है। ठीक है, इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसी प्रोग्राम की से रफिंग का टूल यूज़ करते हुए री रफिंग कैसे करनी है। मिसाल के तौर पर अगर बड़े कटर की वजह से 0.5 से ज़्यादा कहीं मटेरियल रह गया जो कि फिनिशिंग के लिए रिक्वायर्ड है, तो आपने फिर उसको किस तरीके से मशीनिंग करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट ऑल पोजिशन पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये वो तमाम एरियाज हैं जो कि मशीनिंग हुआ है। इसमें मैंने यहाँ से स्कैन टाइप जो है वो चेंज नहीं की थी, तो वो आप अकॉर्डिंग टू प्रीवियस प्रोग्राम हमने कॉन्स्टेंट लोड चलाया था। ठीक है, तो ये सिर्फ समझाने के लिए। तो यहाँ पर आपने विंडो में जाके इस ऑप्शन को, डेप्थ को आपने चेक करना है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, इस इन ऑप्शंस को आप अप्लाई करके देखिए और मल्टीपल रफिंग के आप प्रोग्राम बना सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जो भी आपकी विंडो की हाइट है, जैसे कि यहाँ पर ये हाइट है और पहली वाली विंडो की ये हाइट थी, तो जहाँ आप विंडो बनाएंगे मशीनिंग वहीं से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो सेकंड प्रोग्राम के लिए विंडो जो है वो इसकी हाइट टॉप से कुछ इस लोकेशन पर आ रही है, तो इसका प्रोग्राम यहीं से स्टार्ट होगा और जब तक इसको पार्ट का मटेरियल मिल नहीं जाता या पार्ट ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक कि ये प्रोग्राम चलता रहेगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और कनेक्ट रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।